हम और आप जोया आपके साथ मौजूद हैं बाहर आपके दोस्तों से मिलने के लिए, आपसे मिलवाने के लिए आए हैं वहाँ जहाँ आप हमें मिलना चाहते हैं, हमसे बातें करना चाहते हैं। बड़ी बेसब्री से लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं और एक हुजूम होता है हमारे आसपास, तो इसलिए हम चलने फिरने को थोड़ा फौकियत देते हैं कि ज़रा घूम के फिर के आपसे बात कर ली जाए, प्रोग्राम के बारे में बता दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो हमें सब्सक्राइब करते हैं, हमें देखते हैं, हमारे प्रोग्राम के बारे में जब कहीं से सुनते हैं तो फॉलो करते हैं और बड़ी एक्साइटमेंट से इंतज़ार करते हैं कि आखिर हमें किन दोस्तों से मिलवाया जाएगा। तो आज भी आपसे मिलेंगे बहुत सारे अमेजिंग दोस्त, हर इंसान अपनी जगह एक्सेप्शनल है और इनफरादियत रखता है। तो आज भी ना सिर्फ ये कि लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले, लाहौर से बाहर भी जितने भी लोग लाहौर शहर में आए हुए होते हैं, घूम रहे होते हैं, फिर रहे होते हैं, हमारे प्रोग्राम में शामिल होंगे, करेंगे बहुत सारा फ़न और फ़न होगा कुछ रिडल्स का, कुछ सवालों का जो बड़े ही मज़ेदार होंगे, आपके दोस्तों से पूछे जाएंगे और उनके सही जवाब हम आपको प्रोग्राम के आखिर में देंगे। आइए जल्दी से बढ़ते हैं, आपको आपके दोस्तों से मिलवाते हैं, आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? पूरा ऊंचा बताइए। मैं सलमान हूँ। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। जॉब कर सेल्समैन की। सेल्समैन है आप? कहाँ पर सेल्समैन है आप? सफायर में। सफायर। अच्छा, आप काम करते हैं कपड़ों की दुकान में, आप एक सेल्समैन के तौर पर काम कर रहे हैं, इससे पहले क्या किया सलमान? पहले मैं TCS में एज अ ऑपरेशन था, ऑपरेशन असिस्टेंट। एज एन ऑपरेशन मैनेजर? एज अ ऑपरेशन असिस्टेंट। एज एन ऑपरेशन असिस्टेंट या ऑपरेशनल असिस्टेंट? ऑपरेशनल असिस्टेंट। अच्छा, वो क्या करता है? वो ये होता है कि ना जितना भी हमारे पास काम होता है उसको मैनेज करना, उसका ऑपरेशन का ओवरऑल देखना, उसको आगे पहुंचाना, उसका अराइवल कितना हो गया, उसको माल हमारे पास कितना है, आगे जो फॉरवर्ड निकलना है, वो सारा काम। छोड़ क्यों दिया? उसमें ये था कि ना उसमें पैसे कम। छोड़ा जी? क्यों छोड़ा? पैसे कम थे, गुजारा नहीं हो रहा था, बिजली का बिल नहीं दिया जा रहा जी। सही बात है, अब बिजली का बिल अभी भी नहीं दिया जा रहा होगा वैसे तो। ठीक है अब, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सिचुएशन बेहतर हो गई है। बेहतर हो गई जी? कैसे बेहतर हुई है? पहले उधर ये था, उधर वर्किंग ज़्यादा थी, पैसे कम थे, इधर वर्किंग तो है लेकिन पैसे भी हैं। वर्किंग है तो पैसे भी हैं जी। सही हो गया। कितने घंटे काम करना पड़ता है आपको? उधर ये था, उधर के उसका कोई टाइम लिमिट नहीं थी कि टारगेट पूरा करेंगे तो फिर जाएंगे, इधर ये 8 से 9 घंटे काम करना। और 8 से 9 घंटे काम है और इस काम के अलावा फिर किसी और काम के लिए वक्त नहीं बचता? वो तो इधर ये है ना कि शिफ्टें हैं, 3 शिफ्टें हैं। कोई और काम भी करते हैं आप? उसमें अभी मैं साथ स्टडी कर रहा हूँ। आपने क्या स्टडी कर रहे हैं आप? BSc वेना कंटिन्यू है। आपका क्या कंटिन्यू है? BSc। बेहतरीन, वेरी गुड। क्या पढ़ रहे हैं आप BSc में? BSc में मैं सब्जेक्ट है कंप्यूटर के। जो बहुत अच्छी बात, बहुत ही अच्छी बात कि आपने अपने काम के साथ अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू किया हुआ है, क्योंकि ये आपको हर जगह हेल्प आउट ज़रूर करेगा, आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा बनेगा। इसके अलावा ये है कि आपकी माशरे में इज़्ज़त बढ़ेगी, लोग आपको पढ़े लिखे शहरी के नाम से जानेंगे, और आपका अपनी जो आपका अपना काम है उसमें भी आपके रैंकिंग पर ज़रूर फ़र्क पड़ेगा इंशाल्लाह। सलमान क्या करते हैं इसके अलावा, आप क्या सुनाएंगे दोस्तों को? मैं एक इलामा इकबाल का अपना शेर है वो सुनाई, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये चीज़ क्या है लोहो कलम हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या? लोहो कलम तेरे हैं। हम और आपकी जानिब से करेंगे एक सवाल, सवाल गौर से सुने ताकि आप जवाब तक पहुँच सकें। तो सवाल मेरा आपसे है, मुझे ये बताइए कि वो कौन सी जगह है जहाँ लोग जीत की बजाय हार मांगते हैं? फूल की दुकान। फूल की दुकान। हम और आपकी जानिब से छोटा सा गिफ्ट हैम्पर आपको याद दिलाता रहेगा, आपने मुझसे बात की, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? जानी बलोच। दोबारा बताएं। जानी बलोच। जानी बलोच जी, ये असली नाम है जी? अच्छा, पैदा होते ही माँ बाप ने जानी रख दिया नाम जी? अच्छा, क्यों जानी ही क्यों? बस माँ बाप को अच्छा लगा इसलिए। को अच्छा लगा तो आपका नाम जानी रख दिया, जानी बलोच इनका नाम है। क्या करते हैं आप जानी बलोच? लहंगे साड़ी और मैक्सियों का काम। लहंगे और मैक्सियों का काम जी? क्या होता है वो काम? बेचते हैं, उनको सीते हैं, उनके ऊपर काम करते हैं? उनके ऊपर काम करते हैं। काम करते हैं, कारीगर हैं आप जी? बेहतरीन हो गया। किससे सीखा आपने ये?
अपने भाई से। यानी कि आपकी फैमिली का काम था ये? जी। वो लोग कब से कर रहे हैं ये काम? मतलब 8 क्लास मैट्रिक के बाद ये काम स्टार्ट किया। और कौन कौन फैमिली में ये काम कर रहा है? बस मेरा बड़ा भाई और मैं। आपका बड़ा भाई और आप, दो लोग? जी। अच्छा, आपके वालिद साहब क्या करते हैं? वो किसान है। अच्छा, वालिद साहब किसान है। ताल्लुक कहाँ से है आपका? लाहौर से, किसी और शहर से, किसी गांव से? बहावलपुर से। बहावलपुर से आप यहाँ आ गए रहने के लिए या आप लोग फैमिली ही रह रही है? काम करने के लिए। दोनों भाई? जी। किसके पास काम कर रहे हैं? इधर इपॉक में। किसी के पास यानी कि काम हो रहा है, अपना काम अभी नहीं है? नहीं, लेकिन उम्मीद यही है कि अपना काम एक दिन ज़रूर हो जाएगा इंशाल्लाह। बेहतरीन, वेरी नाइस। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि एक दिन आप लोग इंडिपेंडेंट हो जाएं। छोटे शहर से बड़े शहर में आना, बहावलपुर के बारे में चलिए बताइए। बहावलपुर तारीखी हैसियत से एक बड़ा खूबसूरत और बड़ा मशहूर शहर है। इस शहर की प्यारी प्यारी सी बातें बताइए। इसकी तारीखी अहमियत क्या है, क्यों जाना जाता है, क्यों मशहूर है, क्यों इसका नाम लोग लेते हैं और किस लिए लेते हैं? बहावलपुर एक पुराना शहर है। पुराना शहर है, खूबसूरत शहर है, इसीलिए लोग इसे बहुत ही मुतासर होते हैं। वहाँ से जाके नूर महल में जाके बहुत ही। कितनी बार गए हैं आप नूर महल? 2-3 दफ़ा। क्या देखा है नूर महल में? नूर महल में हम गए थे 14 अगस्त को, नाइट में जो उसका मूवमेंट होता है ना, बहुत ही इंजॉय करने वाला होता है। उसके पुरानी पुरानी जो बातें होती हैं वो सब बताते हैं, उस सब के बारे में बताते हैं और दिखाते भी हैं, मतलब कि लाइटिंग की तारीख बताई जाती है। क्या आप जानते हैं उसकी तारीख के बारे में? उसकी तारीख में सबसे जो हुमायूं अख्तर था ना, उसने वहाँ पे तामीराती काम शुरू करवाया था, उसके बाद आगे एक शुरू कराया था। नहीं, ये नहीं पता? नहीं नहीं। अच्छा चले, कौन कौन से रंगों की लाइटें जलाई हुई होती हैं रात के वक्त वहाँ पे? 7 रंग है, 8 तो नहीं भाई होंगे, आप लोग ही पकड़ने लग जाए भाई 8वां रंग जो है कौन सा तुमने बना दिया। अभी रेनबो में भी 7 रंग होते हैं, चलो कम से कम 7 रंग तो नज़र आते ही होंगे। जी बिल्कुल, गुड है। अच्छा चलिए, इसके अलावा कोई और खूबसूरत जगह, कोई और खूबसूरत चीज़? बहावलपुर का तो चिड़ियाघर भी मशहूर है। बिल्कुल, इसके अलावा पार्क है गुलजार सादिक। हाथी आ गया वहाँ पर? जी बिल्कुल। अब देखा आपने वहाँ पर हाथी? बहुत ज़्यादा वहाँ पे। इसका मतलब है कि आप वहाँ कभी नहीं गए? गए तो आपने हाथी देख लिया? जी। हाथी आ गया? नहीं, हाथी तो चिड़ियाघर में हो। मैं हाथी का ही तो पूछ रही हूँ आपसे कि लाहौर, मैं बहावलपुर के चिड़ियाघर के बारे में बात कर रही हूँ आपसे। मैं पार्क की बात कर रहा हूँ। मैं तो चिड़ियाघर की बात कर रही हूँ। वहाँ पे हाथी होते हैं, शेर भी होते हैं, और भी बहुत से परिंदे। इसका मतलब ये है कि आप वहाँ कभी नहीं गए हैं? चलिए, नहीं नहीं नहीं, मैं इसी तरह से टेस्ट करती हूँ, मुझे पता चल जाता है। जरा वहाँ टेप रिकॉर्डर पर हाथी की आवाज़ सुनाई देती है कि हाथी आपको चलता फिरता नजर आया अपने केज में? नहीं नज़र आया ना, फिर आप बाकी वहाँ गए हैं। चले गुड हो गया। अच्छा मुझे ये बताइए, क्या सुनाएंगे आज आप कैमरे के थ्रू दोस्तों को? शेर। कौन से वाला, चिड़ियाघर वाला या फिर शायरी वाला? शायरी वाला। शायरी वाला शेर सुनाएंगे, सुनाएं। दिल का जख्म बार बार दिखाया नहीं जाता, गम का किस्सा हर बार सुनाया नहीं जाता। क्या, क्या, गम का किस्सा? गम का किस्सा हर बार सुनाया नहीं जाता। मेरे चेहरे को जी भर के देख लेना, क्योंकि बार बार कफन हटाया नहीं जाता। तौबा तौबा, ऐसा जालिम शेर, तो भाई भाई। चलें आपसे करेंगे एक सवाल, ऐसी सवाल का जवाब आपको आता है नहीं, सही जवाब तो गिफ्ट टाइम पर आपका, वरना गिफ्ट टाइम पर आपको नहीं देंगे। सो माय क्वेश्चन इज, मुझे ये बताइए कि वो कौन सी चीज़ है जिसको खाने के लिए रोना पड़ता है? वो कौन सी चीज़ है जिसको खाने के लिए रोना पड़ता है? क्या खा के रोना पड़ता है, खाते हुए रोना पड़ता है? ज़्यादा मैं कुछ नहीं बता सकती। खाने की चीज़ है मरच, ये भी है। हम और आपकी जाने से आपको गिफ्ट टेम्पर दे रहे हैं, याद दिलाता रहेगा हमसे बात की थी। प्रोग्राम में वक्त है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। बाबा बैक हैमी मैमी वो क्या बैक, हम और आप आपको मिलवा रहा है आपके बहुत सारे अमेजिंग और इंटरेस्टिंग दोस्तों से। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? अरिसा।
अरसा अरिसा मैंने कहा हरीसा अरिसा अरिसा जी अच्छा अरसा मैंने कहा हरीसा अरिसा जी अरिसा का क्या मतलब होता है ऐसे ARWS से क्या करती हैं आप अरिसा हाउस वाइफ इतनी प्यारी हाउस वाइफ इतनी खूबसूरत हाउस वाइफ ऐसी बदनाम किया हुआ आप लोगों ने पाकिस्तानी हाउस वाइफ्स को कि वो मोटी होती हैं वो ऐसी होती हैं वो वैसी होती हैं वो तो ऐसी होती हैं वो तो स्मार्ट भी होती हैं गुड है अच्छा क्या चल रहा है ज़िंदगी में ज़िंदगी में कुछ भी नहीं घर के काम काज और टाइम मिला तो बाहर आके इन्जॉय कर लिया टाइम मिला तो बाहर आके इन्जॉय कर जी क्या क्या काम काज करने पड़ते हैं घर में पता तो हमें सारा है अच्छा और पड़ता है सफाइयाँ करनी पड़ती है बच्चों को देखना पड़ता है हस्बैंड को देखना पड़ता है बिल्कुल सही कह रही हैं आप सही फरमाया आपने ये सारे काम हाउस वाइफ को करने पड़ते हैं तो फिर नौकरानी क्या करती है नौकरानी जिनके घर हो ना वो क्या करे उनको तो करना हो करने है ना उन्होंने खुद ही काम करने हैं तमसे पे भाई क्या खुद अपने घर के निज़ाम को काम को संभालती हैं पढ़ा क्या है अरिसा मैंने मैट्रिक तक बस थोड़ा आगे आ जाइए अच्छा मैट्रिक तक आपने पढ़ा आगे नहीं पढ़ सकी नहीं आगे बस शौक नहीं था शौक तो था बस शादी हो गई शादी कर दी घर उन्होंने कहा जाओ घर संभालो उन्होंने कहा बस बड़ी होगी पहुंचो अपने घर टाइम पहुंचो अपने घर और बाकी की पढ़ाई वहीं करो उन्होंने बर्दाश्त कर लिया यही काफ़ी है अरे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं होती है सबसे ज़्यादा तो आपसे आपके माँ बाप ही प्यार करते हैं और जितनी मोहब्बत और प्यार आपसे कोई भी दुनिया में नहीं कर सकता है समहाओ पढ़ाई आगे कंटिन्यू करने के बारे में नहीं सोचा नहीं बिल्कुल नहीं सोचा कोई स्किल भी कुछ सीखने के बारे में सोचा चलो मैं कोई कोर्स कर लूँ कोई काम करना शुरू करूँ पार्लर अच्छा तो मेकअप शेकअप का शौक है बहुत किस किस पे आपने आज तक अपने हुनर आजमाए हैं अपने ही घर वालों के ऊपर ही ज़्यादा अपने घर वालों के ऊपर कभी मियाँ का मेकअप किया मियाँ करवा देंगे नहीं नहीं करवाते हैं मतलब सबसे पहले तो उन्हीं को पकड़ना चाहिए था आपको क्या हो जल्दी से पहले आ जाओ पहले तो तुम्हारी बारी है ये तो है मगर वो कहते हैं ये ना और ज़्यादा ही खाना ख़राब हो जाए ज़्यादा ही खाना ख़राब हो जाए अच्छा कोई फेशियल वेशियल करती होंगी उनका उनका फेस मसाज वगैरह देती होंगी उनकी कोई कुछ और कोई उनका ट्रीटमेंट ऐसे करके देती होंगी खुश होते होंगे वो फेशियल उनका फेशियल करके बड़े खुश होते हैं हाँ जी तुमने मुझे गोरा कर दिया बस ऐसे ही है मर्जी या खुश हो जाए यही काफ़ी है भाई ब्राउन मुंडों को तो वैसे अपने कलर पे अपने ब्राउन कलर होने पे बड़ा प्राइड फील करना चाहिए क्योंकि हम एशियंस हैं ही ब्राउन हमारा ब्राउन स्किन है हम ना तो गोरे हैं ना हम काले हैं और हमें अपनी स्किन में ही कॉन्फिडेंट फील करना चाहिए लेकिन फिर भी हम क्या करें कि भले के कोई खातून हो भले के कोई मर्द हजरात में से कुछ हो कोई भी हो हर कोई चाहता है कि बस वो गोरा हो जाए भले जैसे भी हो जाए बस वो गोरा हो जाए मगर गोरा होना ज़रूरी नहीं होना इंसान को अच्छा लगना भी ज़रूरी है इंसान का अच्छा लगना ज़रूरी होता है गोरा होना ज़रूरी नहीं होता है ये तो बड़ी अच्छी बात की आपने अच्छे लगे ना तो बिल्कुल बेकार के काले हों आप बेशक भले दिल के काले हों मुँह से गोरे हो जाएं दिल के भी नीट हों इतने भी काले ना हो के अंदर बुगज भरा हो दिल साफ होना चाहिए अंदर बुगज नहीं भरा होना चाहिए शक्ल भले जैसी हो चलेगी बिल्कुल ऐसे ही चलेगी सीरत अच्छी होनी चाहिए सीरत अच्छी होनी चाहिए वेरी वेल डन वेरी वेल सेड अरिसा क्या सुनाएंगे आज आप दोस्तों को जो आप सुनाएंगे जी आपने इतनी प्यारी प्यारी बातें सुना दी कुछ और सुना दें कोई मियाँ को कुछ डेडिकेट कर दें खुश कर दें आज मौका है आपके पास ठीक है माइक मेरे पास ओके आवाज़ आपकी जी ज़रूर हम तेरे बिन होय 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 नहीं सके कैसे सुने तेरे बिना क्या उम्मीद मेरी बस इतना सही आगे वो कहेंगे आगे क्यों नहीं सुनाया आगे अब सोच के घर जाके सुनाएंगी चलें हम और आप कर रहे हैं आपसे एक सवाल लेट्स सी आपको मेरे सवाल का जवाब आता है या नहीं तो सवाल गौर से सुनिए जवाब आपको देना पड़ेगा ठीक है सही जवाब पे गिफ्ट टाइम पर ओके अगर जवाब पे नहीं दूंगी ओके मुझे ये बताइए वो कौन सा जानवर है जो आवाज़ नहीं निकाल सकता वैसे ऐसे बहुत सारे जानवर हैं समाजी जानवर भी हैं लेकिन हम समाजी जानवर नहीं हम चिड़ियाघर के जानवर की बात कर रहे हैं काफ़ी सारे जानवर ऐसे हैं जो आवाज़ निकालते हैं पर उनकी आवाज़ आती ही नहीं है ये एक जानवर ऐसा है वो आवाज़ नहीं निकालता चिपकली कह ले बात तो बिल्कुल ठीक है वो भी म्यूट पे लगी होती है कहीं से भी निकल आती है हमारा आपकी जाने से किप टेम्पर याद दिलाता रहेगा हमसे बातें की समाज क्या नाम है आपका फैज़ा ये आपके ये मेरी बेटी है माशाल्लाह माशाल्लाह फैज़ा कितने बच्चे हैं मेरे दो एक दो बच्चे हाँ जी दोनों बेटियाँ दोनों बेटियाँ हाँ जी दूसरी बच्ची कहाँ है दूसरी बेटी वो यहीं पे कहीं घूम रही होगी अच्छा ठीक है इनका क्या नाम है ये मेरा अपना नाम बताओ बेटा मेहा मेहा कितनी बड़ी है कितनी उम्र है इनकी 3.5 इयर्स की 3.5 तीन साल साढ़े तीन साल तकरीबन साढ़े तीन साल अच्छा तो आपकी ज़िंदगी तो बच्चों के साथ घर के कामों में बच्चों को संभालते हुए इनकी ग्रूमिंग जी जी बिल्कुल है मियाँ को भी संभालते हुए वो भी बच्चे ही हैं बिल्कुल तीसरा बच्चा तो भैया जिसके दो बच्चे हो तो तीसरा फिर मियाँ ही होता है नीड ऐसी ही है
अच्छा चलिए मुझे ये बताया फायजा कहाँ से ताल्लुक है आपका? मैं पाकिस्तान लाहौर से ही, हम लोग यहीं से ही हैं। पाकिस्तान लाहौर से? जी। अच्छा, हमेशा से? जी। कहीं कुछ और भी गए, कभी कुछ और भी देखा? कराची देखा है हमने और बस। यहाँ क्या देखा कराची में? कराची में बहुत गंद देखा। कराची में गंदे? कराची वाले नाराज़ हो जाएंगे। कोई बात नहीं, जो कह रही है नाराज़ हो तो सच है। अच्छा बताइए, फिर दिल खोल के बताइए क्या क्या देखा कराची में। जब हम फर्स्ट टाइम एंटर हुए हैं तो दूर से हमने देखा, हमने कहा कचरा गुंडी, वाकई कचरा गुंडी है, बहुत गंद होता है वहाँ पे। लाहौर में नहीं है? नहीं, लाहौर माशाल्लाह से बहुत डिसिप्लिन है, बहुत ज़बरदस्त है। लाहौर में हर चीज़ जो है बिल्कुल नीट एंड क्लीन, कहीं पर भी आप जाके देख लें लाहौर, अगर कोई बाहर से आएगा ना तो वो देखेगा और कहेगा कि वाकई ये लाहौर है, ये लाहौर है। चलें आप कहती हैं तो मान लेते हैं, क्योंकि इतना क्लोजली मैंने नहीं कराची को देखा। हाँ अगर मैंने देखा हो तो मैं ज़रूर इनकी बात से सहमत होती, लेकिन इनका अपना ऑब्जर्वेशन, इनकी अपनी एक ओपिनियन है। कब गए थे आप कराची? हम कराची गए थे आज से कोई 7 साल पहले गए थे भाई। 7 साल पहले? और अभी भी यही सेम टू सेम है वहाँ। कैसे आप कैसे कह सकती हैं? आप तो 7 साल पहले गई थी। 7 साल पहले गए थे, तब भी लोड शेडिंग थी, अब भी लोड शेडिंग है। लाहौर में नहीं है? नहीं, लाहौर में इतनी नहीं है, है लेकिन लाहौर में इतनी नहीं है। पिछले साल से बेहतर हो गया? हाँ बेहतर है, पिछले यानी कि साल थोड़ी थी लेकिन अब काफ़ी बेहतर है। बिजली का बिल दे दिया आपने? जी। इस बार यूनिट में कितने रुपए का इजाफा हुआ है? बस ना पूछे, हाँ आप बता दीजिए। इजाफा ही होता रहता है, आप बता दीजिए। 200 यूनिट यूज़ किए हैं ना तो हम बच जाएंगे, अगर हम नारे जो है 200 से ऊपर। आपने क्या वाकई में 200 किए? हाँ हमने बड़ी जो है ना कंट्रोल किया, जबर किया। बड़ा जबर किया, सही कह सकते हैं जबर किया। फिर तो वाकई में जबर किया कि गर्मियों में आपने 200 यूनिट इस्तेमाल किया, और अगर आपका 201 हो जाता तो? 201 हो जाता तो फिर हमारा 10,000 हो जा रहा था। ओ ये वाह भाई वाह। अच्छा चलिए मुझे ये बताइए फायजा, दोस्तों को क्या सुना है आपने, क्या बात शेयर करेंगी? मैं दोस्तों के साथ बात शेयर करूँगी, मैं सबसे यही कहूँगी कि नहीं ज्ञान नहीं, शेर या गाना कुछ एक। अच्छा पहले तो ये पोइम सुनाएगी, इसने कहा था मैं पोइम। चलें ईशा एक पोइम सुनाइए, आ जाए दरमियान में, आ जाए इधर आए, गुड यहाँ पर आइए, ऐसे स्ट्रेट वहाँ कैमरे में खड़े हों ऐसे, ओके चलिए अब सुनाइए। बाबा बैग हैमी मैमी वो बस हो गया, आप कुछ सुना दीजिए, कोई शेर सुना दीजिए। जो कोई शेर नहीं आते कोई रेसिपी सुना दें जो आप अपने बच्चों के लिए बड़ी मज़ेदार किस्म की कोई फूड बनाती हैं। मैं ज़्यादातर जो है बच्चों को पिज़्ज़ा बना कर देती हूँ। और कौन सा पिज़्ज़ा पसंद है आपके बच्चों को? मेरे बच्चे खा लेते हैं जो ज़्यादा स्पाइसी ना हो, पिज़्ज़ा डो घर में बना। माइल्ड किस्म का पिज़्ज़ा आप कैसे बनाती हैं? कैसे बनाती हैं ऐसा माइल्ड पिज़्ज़ा आप? माइल्ड पिज़्ज़ा हम लोग बनाते हैं, पहले डो बनाते हैं उसकी, फिर डो उसको हम ओवन में बेक कर लेते हैं, फिर उसको जो है घर में जो चीज़ मैं खुद बनाती हूँ, चीज़ भी घर में हम बना लेते हैं खुद ही, दूध को बॉयल करके उसके अंदर जो है सिरका डाल के लेमन डाल के, तो उसकी हम चीज़ भी खुद ही बना लेते हैं। और फिर चिकन को हम मैरिनेट करके रखते हैं, फिर उसको हल्का सा कुक कर लेते हैं, फिर उसको पिज़्ज़ा डो के ऊपर जो स्प्रेड करते हैं सारी चीज़ों को, फिर उसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस और चीज़ और ये सब कुछ डाल के तो पिज़्ज़ा बेक कर लेते हैं। नाइस, वेरी गुड भाई, ये तो हर चीज़ें आप घर में बना लेती हैं, आप तो फिर मास्टर शेफ हो गई। करेंगे सवाल फायजा, ऐसे सवाल का जवाब आपको आता है नहीं, तो सवाल मेरा आपसे ये, मुझे बताइए वो कौन सी चीज़ है जो धूप में नहीं सूखती है? पसीना। बड़ी तेज़ हैं आप, हमारे आपके जाने से छोटे से गिफ्ट टाइम पर याद दिलाता रहेगा, हमसे बात की, थैंक यू सो मच। प्रोग्राम में वक्त है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। तेरे प्यार ने सरेआम बदनाम कर दिया मुझे, शराब का गुलाम कर दिया मुझे। वेलकम बैक, हम और आपको बहुत सारे अमेजिंग दोस्तों से मिलवा रहे हैं, कुछ से आपने ब्रेक पे जाने से पहले मुलाकात की और अब बाकियों से मिलना बाकी है, आए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? अरकम। पूरा नाम बताइए। अरकम शकील। क्या करते हैं आप? मैं पढ़ता हूँ। क्या पढ़ते हैं आप? मैं स्कूल में पढ़ता हूँ। ठीक हो गया,
तो आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 7th class. 7th में. अरकम, कौन कौन से खेल आपको खेलना पसंद है? बॉक्सिंग. बॉक्सिंग करते हैं? हाँ जी. कहाँ करते हैं बॉक्सिंग? पहले तो स्कूल में करता था, अब घर में करता हूँ. घर में आपके पास क्या क्या है बॉक्सिंग करने के लिए? ग्लव्स हैं, वो हैं, पूरी किट है मेरे पास बॉक्सिंग. वेरी नाइस, वेरी गुड. पंचिंग बैग है, बॉक्स है? पंचिंग बैग. पंचिंग बैग का वेट कितना है? 15 से 20 kg. चलो, प्रैक्टिस के लिए अच्छा है. प्रैक्टिस प्रैक्टिस तो हो जाती है ना, वरना काफ़ी काफ़ी भारी होते हैं जिम में. ज़ाहिर है, भारी भारी बैग्स होते हैं, तो जो ही आप बड़े होते जाएंगे तो आपके बैग का वेट भी बढ़ता जाएगा. गुड. कौन कौन से स्पोर्ट्स आपको करना पसंद है? बॉक्सिंग के अलावा अभी तक तो कोई अच्छा नहीं. बॉक्सिंग में क्यों इंटरेस्ट है? किस बॉक्सर की जो बॉक्सिंग है वो आपको इतना मुतासर कर गई कि आपने बॉक्सिंग शुरू कर दी? मैं नहीं बॉक्सिंग देखता, पर खुद ही मेरे सर ने शौक डाला था मुझे स्कूल के. सर ने तो आपके गेम्स टीचर थे या कोई क्लास टीचर थे? टीचर. वेरी नाइस, वेरी गुड. क्या नाम आपके गेम्स टीचर का? सर सादिक. सर सादिक को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने बच्चों को इतना अच्छा इंस्पायर किया, इतना स्टिमुलेट किया कि आज ये बच्चा यहाँ पर इतना प्राउड फील कर रहा है बताते हुए कि इसका कोई और मेंटोर नहीं है. सर सादिक ही इसके मेंटोर हैं और उन्हीं की वजह से ये आज यहाँ पर बच्चा अपने अपनी ज़ात में, अपनी शख्सियत में इतना कॉन्फिडेंस महसूस कर रहा है, फील कर रहा है कि इतने एतमाद के साथ इसने यहाँ पर हमें भी शेयर किया, मेरे साथ शेयर किया, ऑन कैमरा ऑन माइक ये बता रहा है कि यही मेरा फेवरेट गेम है, मेरा कोई ऐसा स्टिमुलेशन नहीं है अदर देन माई टीचर. थम्स अप. वेरी नाइस, वेरी गुड. उत्साह दूँ तो ऐसे. आपका क्या नाम है? प्रिया शेख. प्रिया शेख, क्या करती हैं? होल वाइफ. हाउस वाइफ हैं. अच्छा, कब शादी हुई आपकी? मेरी 2010 में हुई. कहाँ से ताल्लुक है आपका? मार्टोन में. मार्टोन नहीं, मतलब किस शहर से ताल्लुक है आपका? जहाँ से आई हूँ. शहर कहाँ रहती क्या आप? ब्लॉक में. किस शहर से ताल्लुक है आपका? लाहौर में. बताइए ना, मैं आपके इलाके के बारे में बिल्कुल कंसर्न नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपका शहर जानना चाहती हूँ. पंजाब में कहाँ कहाँ गई हैं आप? फिलहाल तो यहीं पे हूँ, कहीं भी नहीं गई इसके अलावा. अभी भी नहीं गई? नहीं. अरकम, आपने क्या बनना है ज़िंदगी में? भरे ओके, अभी तो कुछ प्लान नहीं है. ऐसे सोचा तो होगा ना, जब मैं बड़ा होऊंगा. आप देख रहे होंगे अपने से बड़े बॉयज़ को, आप देख रहे होंगे और लोगों को आप देख रहे होंगे. सॉफ्टवेयर इंजीनियर. इंजीनियरिंग का शौक है? हाँ जी. इंजीनियर बनना है. सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्यों? आइडिया है सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या करता है? बस मायने बैठा हुआ इसमें बैठ के इंजीनियर बनना है. वेरी नाइस, वेरी गुड अरकम. अच्छा अरकम, क्या सुनाना है आज दोस्तों को? गाना सुनाना. तेरे प्यार ने सरेआम बदनाम कर दिया मुझे, शराब का गुलाम कर दिया मुझे, ना जी रहा हूँ ना मैं मर सका. ऐसा मेरा हशर है बन गया, जो पहले मैं खाना था वो घर है बन गया. तो अब ते साकी नदी जाम का हिसाब ना रखा. नाइस. आपका एतमाद काबिल तारीफ है. अरकम, करूँगी मैं सवाल, सवाल गौर से सुने ताकि आपको जवाब समझ में आ सके. और मेरा सवाल आपसे ये है, मुझे ये बताइए कि चाइना के लोग पाकिस्तानी लोगों से ज़्यादा खाना क्यों खाते हैं? क्यों क्यों खाते हैं? क्या है? आबादी कहाँ की ज़्यादा है? चाइना की ज़्यादा है. खाना कौन खाए? चाइना खाते हैं. आपकी जानिब से आपको गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं, याद दिलाता रहेगा आपके बारे. क्या नाम है आपका? समीर. पूरा नाम बता. समीर. समीर शाह. क्या करते हैं? स्टडी. स्टडी क्या? मैं 10th. क्या करना है ज़िंदगी में? इंशाल्लाह ट्रेडिंग में घुसना. किस चीज़ में? ट्रेडिंग में. रीडिंग में? रीडिंग. ट्रेडिंग. ट्रेडिंग. ट्रेडिंग खोल के बात करेंगे तो आपकी बात समझ में आएगी. लग रहा है रीडिंग बस बोल रहे हैं, ना ही लग रहा है ट्रेडिंग बोल रहे हैं. क्या होती है ट्रेडिंग? ट्रेडिंग होती है, ये एक मार्केटिंग है. किस चीज़ की मार्केट? ये बिटकॉइन वगैरह हो गया जैसे कि उस तरह की. डिजिटल ट्रेडिंग, ट्रेडिंग के बारे में बात कर रहे हैं. डिजिटल पहले क्या होती थी ट्रेडिंग, जब टेक्नोलॉजी नहीं थी? तब जैसे बिजनेस है वो एक तरह की चीज़ लेके सेल करना या अपने पास सेविंग कर लेना. तजारत करना. तजारत करना, अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना, बेचने की गर्ज से, मुनाफे की गर्ज से, कारोबार की गर्ज से. क्यों ट्रेडिंग ही क्यों? ट्रेडिंग शौक है वैसे. ट्रेडिंग ही क्यों? ट्रेडिंग नहीं होता, ट्रेडिंग होता है. ट्रेडिंग ही क्यों? शौक है बस.
ऐसी। क्या जानते हैं ट्रेडिंग के बारे में, ऑनलाइन डिजिटल ट्रेडिंग के बारे में क्या जानते हैं? उसके बारे में तो मैं अभी इतना नहीं जानता, लेकिन ये ड्राज है। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे ट्रेडिंग सिखा भी रहे हैं और फॉर फ्री सिखा रहे हैं, जिसमें वो स्किल्स लोगों की ग्रूम करते हैं, उन्हें टिप्स देते हैं किस तरीके से वो ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये काम आसान नहीं है। आपको बहुत सारा लॉस भी बर्दाश्त करना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ता है। किसको फॉलो करते हैं आप? मैं फॉलो वगैरह किसी नहीं करता, ये बस ना एक दोस्त था, वो ट्रेडिंग करता है तो उसको देख के शौक चढ़ा, क्यों उसने घर वगैरह बनाया इसी से, तो बस शौक है कि वो आपके सामने क्या कर रहा होता है। आपने क्या इस चीज़ के बारे में क्या जाना है? अभी जाना यही है, अभी आपने सुना है कि उसने ये कर लिया तो मैं भी करूँगा, लेकिन अभी पता कुछ नहीं है। पता नहीं है, जब घुसेंगे तो फिर घुस जाएंगे अंदर ही। लेकिन आपने सोच के ये रखा हुआ है, गुड। कहाँ कहाँ दुनिया में घूमना फिरना चाहते हैं? जो है ना, सिर्फ शौक है कि हुंजा जाना जरूर। पाकिस्तान में हुंजा जाना है जी? क्यों हुंजा क्यों जाना? वहाँ का व्यू लेना है एक दफ़ा। कभी देखा है आपने सोशल मीडिया पे या कहीं किसी स्क्रीन में, किसी वीडियो में, पिक्चर्स क्या देखा है आपने हुंजा के बारे में? मैंने वीडियोज़ में ही देखा, लोग वगैरह जाते हैं, व्यू काफ़ी अच्छा है। तो मेरा शौक है कि मेरा ड्रीम है कि वहाँ मैं सबसे पहले जाऊँ। सिर्फ इस शहर को पहले देखना है? जी जी सर। कोई और शहर भी है, कोई और जगह भी है? नहीं नहीं, इसके अलावा सिर्फ हुंजा। हुंजा चले गुड। क्या सुनाएंगे आप कैमरे पे दोस्तों को? सिद्धू का गाना सुन लें या शुभ का गाना सुन लें? सुना दीजिए। सिद्धू का सुन लें, 410 सुन लें। 410 बीट उत्ते हौली हौली गड्डी जावे, चौबड़ पलाजे बिच गेड़े कड्ढी जावे, रिंग 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 उत्तों फोन बजी जावे, फोन दे ट्रक उत्तों लद्दी सदी जावे, लाल लाल अखां यारा केड़ा होई जांदा। बस सवाल कर रहे हैं आपको, लेट्स सी आपके सवाल का जवाब आते हैं नहीं। सवाल गौर से सुनना है ताकि जवाब तक पहुँच सके, और समझना है तो दोबारा पूछ सकते हैं, राइट? चले, सवाल है आपसे, मुझे ये बताइए, एक ऐसा जानवर है जो बोलता नहीं है, आवाज नहीं निकालता, कौन सा जानवर है? बोलता नहीं है। चूजा? चूजा तो बहुत शोर करते हैं। चिड़ियाघर में बहुत से जानवर हैं, जंगल में बहुत से ऐसे जानवर हैं। बड़े जानवरों के बारे में क्या जानते हैं आप? बड़े जानवर वगैरह में कभी इतना इंटरेस्ट ही नहीं लिया, इंटरेस्ट है ही नहीं। शुरू इंटरेस्ट नहीं है जानवरों के बारे में, नहीं है। स्टडी के बारे में भी इतना इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी घर वाले धक्के से पढ़ा रहे हैं तो बस चली जा रहे हैं। तो कैसे चल रहे हैं? मैट्रिक तक पहुँच गए हैं। अगर आप सांस ले लेते हैं। थैंक यू सो मच। प्रोग्राम में वक्त छोटे से मुख्तसर ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। टूटा हूँ इस कदर के छूने से बिखर जाऊँगा, टूटा हूँ इस कदर के छूने से बिखर जाऊँगा, मैं हवा बनकर उसको छू कर गुजर जाऊँगा, वो मेरे दिल में रहती है इतना ही काफ़ी है, अगर अब उसको सामने देखूँगा तो मर जाऊँगा। बैक, आइए आपको मिलवाते हैं आपके बाकी इंटरेस्टिंग और अमेजिंग किस्म के दोस्तों से। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जहांगीर। मोहम्मद जहांगीर, क्या करते हैं आप? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एज अ सीएसएस कैंडिडेट हूं आजकल। मैं सीएसएस के लिए आप ऑप्ट कर रहे हैं जी? तैयारी की आप? कागजात जमा कराए जी, शाम दे दिया अपनी इंफॉर्मेशन दे दी कि मैं इम्तिहान देने आऊंगा जी। इंतजार करना। इंतजार तो सबके नहीं। चले, क्यों सीएसएससी क्यों? ये बचपन से ड्रीम था, मेरा पैशन था। जब मैं 6th क्लास में, सीएसएस स्टैंड्स फॉर सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज। वेरी नाइस, वेरी गुड। आपको इसमें दिलचस्पी बचपन में पैदा हुई, क्यों हुई? जब मैं 7th क्लास में था, मेरी टीचर सीएसएस कर रहे थे तो वो लाहौर आया, तब उन्होंने इंग्लिश पढ़ाना स्टार्ट किया, तब मैं बहुत वीक था, तो 7th से ही मैंने ट्रैक पे डाल दिया, तो मैंने तभी से स्ट्रगल स्टार्ट कर दी। तो मैंने जब यूनिवर्सिटी में था तो वो निकल गए कि नहीं रह गए? वो रह गए थे, क्योंकि तब पैटर्न चेंज हुआ था उस साल, पहले 2013 में चेंज हुआ था। 2013 में पैटर्न चेंज हो गया। आपने क्या किया? तो तब तो टीचर मेरे कर रहे थे, तो उस वक्त वो तो रह गए थे, रिटन टेस्ट में ऐसे में रह गए थे, और तब मैं 7th क्लास में था, तो मैंने ट्रैक पकड़ा कि इंशाल्लाह वन डे आई विल सक्सेस इन इट। गुड। सीएसएस नहीं,
तो प्लान बी क्या? प्लान बी रेडियो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आई विल वर्क इन माय फील्ड। सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हैं? मास्टर्स कंप्लीट है आपका? जी मेरा बी, यानी कि आप बने बनाए इंजीनियर हैं। जी गुड, वेरी नाइस। क्या कर लेता है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर? वेब एप्लीकेशन और एप्लीकेशन बना सकता है, वेबसाइट बना सकता है, इसलिए डेस्कटॉप एप्लीकेशन होती हैं वो भी डेवलप करता है, प्रॉब्लम सॉल्वर होता है, कोई भी पैकेज या कस्टमाइज सॉफ्टवेयर तो वो डेवलप करता है जो किसी के लिए कस्टमर के लिए रेकमेंड होता है। अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। माई सेल्फ इज मोहम्मद जहांगीर, आई एम फ्राम सिटी लोधरा, आई एम ग्रेजुएटेड एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर फ्राम इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ भावलपुर। नाउ आई एम होप विद आई कम इन लाहौर विद द सी एस एस कैंडिडेट, इंशाल्लाह वन डे आई विल सक्सेस and become a assistant commissioner, which is the dream of my life and my parents' dream. क्या करेंगे आप एक assistant commissioner बनने के बाद? Inshallah, I will do. Now, चलें गौर, क्या सुनाएंगे through camera आज आप? मैं सराकी सॉन्ग डेडिकेट करूँगा, मैं साउथ पंजाब से बिलोंग करता हूँ। मैं कुयो चादा सा कि मैं जोड़े ठासी तेरी शहर दिरी है मैं हाँ रोही दावासी। चलें आपसे करेंगे एक सवाल, जैसे आपको सवाल का जवाब आता है या नहीं। सवाल मेरा आपसे ये है कि मुझे बताइए, एक ऐसी चीज़ है जो धूप में भी नहीं सुखाई जा सकती। धूप में गरम मसाला नहीं, धूप में सुखाई जा सकती। पसीना। जाहिर है, हम और आपकी जानिब से आपको एक गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं जो आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा कि हमने आपसे बात की थी। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? दिलावर अली। क्या करते हैं आप दिलावर? मेरी खुद की शॉप है। किस की शॉप है आप? नान, नान की है वगैरह की शॉप है। अच्छा, आपने पढ़ा भी है? जी, सेवन तक। सेवन तक पढ़ा। आपने काम कब शुरू किया? काम मैंने 2008 में शुरू किया। 2008 से लेके अब तक बड़े साल हो गए। जी। अच्छा दिलावर, जब काम शुरू किया था घर वाले भी ये काम कर रहे थे या किसी के साथ किसी की दुकान पर चले गए तो घर वालों ने रखवा दिया, क्या हुआ था बताएं ज़रा? नहीं, मैं खुद वर्किंग करता था। करते थे घर वाले भी? कोई और भाई वाले साहब कोई करते थे ये काम? नहीं, और कोई भी नहीं। आपने फिर यही काम क्यों शुरू किया? बस ऐसा ही मेरा माइंड था कि तालीम के साथ हुनर लाजमी है। बेहतरीन, बहुत अच्छी बात है। मैं तो खुद हमेशा यही कहती हूँ कि तालीम के साथ हुनर लाजमी है। तालीम कमाने का जरिया नहीं है, तालीम आपको महज़ब बनाती है, बाशऊर बनाती है, लेकिन आपकी जो स्किल है, आपकी महारत है, आपका जो टैलेंट है, वही आपके लिए जरिया मुआश बनता है। बड़ा मुश्किल काम है, सर्दी गर्मी खड़े होकर तंदूर पर रोटियां लगाना, नान लगाना, लोगों के ऑर्डर पूरे कर करके भेजना, बड़ी जिम्मेदारी का काम है, और वक्त पर उनको दे देना, क्योंकि लोगों में पेशेंस नहीं होता है कि वो तंदूर की दुकान पर खड़े होकर इतनी देर वेट कर सके। क्या कहेंगे आप? कस्टमर वेट नहीं करता। कस्टमर वेट नहीं करता, फास्ट पैसे देने, और हर कस्टमर को पहले चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि जो बिजनेस है ना, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, मेरा कहना ये है कि अपना होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो इसलिए मैंने सबसे पहले वर्किंग शुरू की, जॉब करता था, जॉब के बाद आस्ता आस्ता अल्लाह पाक ने मुझे इतनी हिम्मत दी, मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट। अच्छा, दिलावर लाहौर में किया काम? लाहौर में। अब अपनी दुकान है? जी। अपने वर्कर रखे? जी, खुद अपने वर्कर रखे हुए। मुतमईन है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की जात ने जो भी आपको रास्ता दिखाया बेहतरीन दिखाया? बेहतरीन जी, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहेंगे आप, काम करना बेहतरीन है? आपने खुद कह दिया कि तालीम भी ज़रूरी है। अच्छा, सातवीं के बाद आगे पढ़ा कि अब छोड़ दिया था? छोड़ दिया था मैंने, छोड़ दिया। अब मौका मिले पढ़ने का पढ़ेंगे? नहीं, अब ऐसा नहीं हो सकता, वक्त नहीं है। अब वक्त नहीं है, जिम्मेदारियाँ ज़्यादा हैं। जिम्मेदारियाँ और मेरिट। बेहतरीन, चलें। खैर, शादी के बाद भी लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन आप समझते हैं कि जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं, अब नहीं मैं कर सकता। कोई टैलेंट, गाना, हम इस नज़र से पूछ रहे हैं, गाना सुना दीजिए, शेर सुना दीजिए। शेर सुनाऊंगा। टूटा हूँ इस कदर के छूने से बिखर जाऊंगा, टूटा हूँ इस कदर के छूने से बिखर जाऊंगा, मैं हवा बनकर उसको छू कर गुजर जाऊंगा, वो मेरे दिल में रहती है इतना ही काफ़ी है, अगर अब उसको सामने देखूँगा तो मर जाऊँगा। बेगम के लिए जी कह दे, घर ना घर भी जाना है आपने। कोई बात नहीं, गुड है, मुझे भी पूरा यकीन है। बेहतरीन, चलें दिलावर सवाल करेंगे, सवाल का जवाब सही तो आपको गिफ्ट हैम्पर मिलेगा। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि आप सही जवाब तक पहुंच सकें। मुझे ये बताएं, कैसा जानवर है आवाज नहीं निकालता? जिराफ। क्या होता है? जिराफ। जिराफ जराफा हो जाए। हमारा आपको जाने से दे रहे हैं गिफ्ट हैम्पर, याद दिलाता रहेगा हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच। जाने से पहले सुनते जाइए सारे के सारे सवाल सही जवाबों के साथ, क्योंकि आप जानना चाहते हैं
एक सवाल जो आपके दोस्तों से किया गया था वो ये था कि वो कौन सी चीज़ है जिसको खाने के लिए रोना पड़ता है, वो मिर्चें भी हैं, वो प्याज भी है, या रोज ज़्यादा रोना आपका निकल आता है समहाउ जब आप दुरुस्त है। एक सवाल जो आपके दोस्तों से किया गया वो ये था कि कोई ऐसा जानवर बता दीजिए जो साइलेंट है, आवाज़ नहीं निकालता। वैसे तो जिराफ है यानी कि जराफा, लेकिन एक दोस्त ने कहा कि छिपकली है, ये बात भी ठीक थी। एक और सवाल जो आपके दोस्तों से किया गया वो ये था कि ऐसी चीज़ जो जो धूप में नहीं सूखती वो है पसीना। और आखिरी सवाल वो ये था कि अचानक लोग आखिर पाकिस्तान के लोगों से ज़्यादा क्यों खाते हैं। तो अंडरस्टूड सी बात है ना भाई, आबादी जहाँ की ज़्यादा होगी वहाँ खाना भी ज़्यादा खाया जाएगा। आई होप कि ये सब कुछ आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, आपने भी बहुत कुछ सीखा, हमने भी बहुत कुछ सीखा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सर्च बार में टाइप करते हुए हम और आप सिटी 42 जो सर्च इंजन्स पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं वो है टिकटॉक, YouTube, Twitter एंड Facebook, प्राइमरली TikTok एंड YouTube। कमेंट सेक्शन में जाइए, हमसे बात कीजिए, हम ज़रूर आपके आपकी बातों का जवाब भी देंगे, आपके सवालों का जवाब भी देंगे, वहाँ मिलने भी आएंगे जहाँ आप हमें बुलाएंगे। तो ज़ोया रंधावा को अभी के लिए इजाज़त, क्योंकि आपसे मुलाकात के लिए हम आने वाले हैं फिर। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमारे लिए बहुत सी दुआएँ, सबके लिए बहुत सारी दुआएँ, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफ़िज़।